राम राम दोस्तों, आज मैं आपको चम्मच की मदद से ढेर सारे कपड़ों पर प्रेस करने का आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। आपके कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे, महंगे से महंगे कपड़े खराब हो जाते हैं तो वो खराब नहीं होंगे। कैसे प्रेस करनी है वो आगे आपको वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा। और भी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है वो होने वाला है कप्स को लेकर। हमारे सभी के घरों में कप पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा होता ना, इनको हम जब लापरवाही के साथ रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इनमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं से किनारी से या फिर कहीं से भी बहुत जल्दी चटक जाते हैं। फिर हमें दोबारा से न्यू कप खरीद के रखने पड़ते हैं अपने घर में। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये किनारी से ना चटक सा गया है, थोड़ा सा टूट सा गया है कप, क्योंकि मैं इन्हें ऐसी लापरवाही के साथ रख देती थी, छोड़ देती थी। तो अब रखने का एक तरीका देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से कप को रखेंगे ना, आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपके जो कप है ना वो चटकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। दूसरा ये कि कम स्पेस लगेगा, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाते हैं इसमें। और जब आप रखोगे ना इस तरीके से कप, तो यकीन मानिए ये जो कप है ना आपके बिल्कुल भी हिलने डुलने वाले नहीं, क्योंकि एक दूसरे में ये सेट हो जाएंगे, अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। फिर आप इसे चाहे तो किसी कागज में भी लपेट के रख सकते हैं, कहीं पे ले जा भी सकते हैं अपने साथ में, या फिर आप अपने किचन में अपने घर में भी इस तरीके से रख सकते हैं। देखने में भी यूनिक लगेंगे और ये ना टूटेंगे और ना ही स्पेस लेंगे। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी, कप को फोल्ड करके रखने वाली। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो आपके जो कप है ना बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट आइडिया होने वाला है वो भी बड़ा यूनिक होने वाला है, चूड़ियों से लेकर है। चूड़ियां हम सभी लेडीज पहनती हैं, लेकिन ऐसा होता है फ्रेंड कि चूड़ियां जब हम वॉलवेट की पहनती है ना तो ये हम वॉश तो करके नहीं रख सकते। और ऐसा होता है ना कि जब हम इन्हें वेयर करते हैं तो अगर हमें पसीना वगैरह आता है तो इनमें भी पसीना लग जाता है, इनमें स्मेल आने लग जाती है। और हम अगर इन्हें वॉश करते हैं तो देखिए वॉश करेंगे इनको तो ये जाहिर सी बातें खराब हो जाएंगी, इनकी जो वेलवेट है वो उतर जाएगी या फिर इनका कलर खराब हो जाएगा, फेट हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये क्लीन करनी है ढंग से, तो देखिए ये वाला जो आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत यूनिक होने वाला है। आप इस तरीके से अपनी चूड़ियों को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने करना क्या है ना, सबसे पहले आपको जिस भी बॉक्स में चूड़ियां आप रखते हैं ना उसमें आपने रख देनी है। अब आप करेंगे क्या, देखिए आपको लेना है कोई भी टेलकम पाउडर, जो भी आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं, किसी भी ब्रांड का हो ले लीजिएगा, सस्ता लोकल या फिर जैसा भी आपके पास है वैसा ले लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। उसको ना आपको चूड़ियों के ऊपर स्प्रे कर देना है अच्छे से। तो ऐसा करने से ये होगा ना, इसमें जो बैड स्मेल आती है या बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं उसका बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा, ना तो इसमें से बैड स्मेल आएगी और ना ही इसमें बैक्टीरिया वगैरह पनपेंगे। अब यहाँ पर आपको ना पाउडर को ना अच्छे से इन वेलवेट की चूड़ियों पे फिक्स कर देना है, यानी कि लगा देना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये चूड़ियां तो पाउडर में हो गई है, व्हाइट व्हाइट हो गई है, देखने में भी अच्छी नहीं लग रही, तो क्या फायदा है इसका चूड़ियों के पहनने का। तो यकीन मानिए जब आप नेक्स्ट टाइम इनको पहनेंगी ना तो ये जो पाउडर है अपना आप झड़कर निकल जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं फंसा रहेगा चूड़ियों में, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। और फिर ना आप इन्हें क्या कीजिए, अच्छे से रबड़ बैंड से सिक्योर करके अपने घर में कहीं पे भी रखिएगा अपनी चूड़ियों को, ना तो ये मतलब के खराब होंगी और ना ही इसमें बैक्टीरिया वगैरह पनपने वाले हैं। तो आशा करती हूँ छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरीके की शीशी को लेकर, चाहे वो किसी भी चीज की शीशी हो, ये नहीं कि थिनर की हो, दवाई की हो, क्रीम की हो, या फिर किसी भी चीज की हो। अब ऐसा होता है ना, इसके जो ढक्कन होते हैं ना बड़े टाइट हो जाते हैं कभी कभी, तो मेरे को थोड़ा सा थिनर चाहिए था, अभी भी इसमें है था थिनर, मैं फेंकना नहीं चाहती थी, सोचा चलो पहले इसमें से थिनर जो भी है निकाल के यूज कर लेती हूँ, फिर इसे फेंक देंगे खाली बोतल को। तो यहाँ पर मैं इसको खोलने लगी थी थिनर लेने के लिए, तो लेकिन ढक्कन इतना टाइट हो चुका था, क्योंकि ये जो ना मैं रोज यूज नहीं करती हूँ, पता नहीं कब से मैंने ये शीशी खोली ही नहीं थी, तो इसका जो ढक्कन है ना एकदम से लॉक हो गया था। अब इस तरीके से टाइट ढक्कन को जब हम हाथ से खोलते हैं तो आप सभी को पता ही है जो हमारी हथेली होती है ना उसमें निशान पड़ जाता है, यानी कि एक जलन सी होती है और दर्द भी होने लगता है, लेकिन ढक्कन हमारा नहीं खुलता है। तो इतनी परेशानी झेलने से क्या फायदा है फ्रेंड, जब हम इसे बहुत आसानी से खोल सकते हैं। तो आपके घर में कोई भी इस तरीके से क्लोथ क्लिप है, लोहे वाली है तो और अच्छी बात है, लोहे वाली नहीं है तो आप प्लास्टिक वाली ले लीजिएगा। इस तरीके से ढक्कन के ऊपर लगा के जब आप इसको घुमाएंगे ना तो इजीली ये ढक्कन बहुत अच्छे तरीके से आसानी से खुल जाएगा, या फिर आप किसी कपड़े से पकड़कर भी इसे खोल सकते हैं, अगर खुल जाए तो। दोनों में से जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे आप ट्राई कर सकते हैं और टाइट ढक्कन को आसानी से खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ छोटी सी ट्रिक भी आज आपको
पसंद आई होगी फ्रेंड। और जब नेक्स्ट टाइम आप ढक्कन लगाएं शीशी का तो थोड़ा मतलब के लूज लगाएं, ज्यादा टाइट ना लगाएं ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। ना तो टाइट लगाएं और ना ज्यादा ढीला लगाएं, अपने हिसाब से लगाएं। अब देखिए जो मेरी ट्रिक होने वाली है ये होने वाली प्रेस को लेकर। प्रेस हम सभी अपने घरों में नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से जब हम प्रेस करते हैं शर्ट वगैरह हुई या फिर सूट वगैरह हुई, तो उसमें ना मतलब एक प्रॉब्लम आपने शायद देखी होगी, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इन शर्ट में ना मतलब के बटन लगे हुए होते हैं और बटन ना बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो ये जो बटन के बीच वाला पार्ट होता है शर्ट का, इस पे हम प्रेस करते हैं तो उसी के चक्कर से ना जो हमारी प्रेस है ना बार बार बटन पे ना टच होती रहती है, जिससे कि होता है ना बटन जो ना मतलब खराब हो जाता है, बटन की शाइन चली जाती है। और अगर बटन की शाइन चली जाती है तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। समझने के लिए तो बहुत छोटी सी ट्रिक हो सकती है आप सभी के लिए, लेकिन हम कितना भी बचा बचा के प्रेस को करते हैं लेकिन बटन के ऊपर गर्म प्रेस टच हो ही जाती है। आपने कभी नोट नहीं किया होगा तो शायद नोट करके देखिएगा, आप ध्यान करके देखिएगा, जो बटन हमारे होते हैं ना वो मतलब एकदम से धुंधले धुंधले से हो जाते हैं, सही नहीं रहते, इनमें साइन वगैरह नहीं रहती है। और ये जो इसके कप वगैरह होते हैं आस्तीन के, इन पे तो हम ध्यान देते नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसी प्रेस घुमा देते हैं। तो देखिए मैं आपको बड़ा अच्छा सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ, आपके जो शर्ट के या सूट के बटन है या जिस चीज पे बटन लगे हुए हैं वो बटन आपके कभी खराब नहीं होंगे और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी प्रेस को करने में, क्योंकि ये जो बटन होते हैं ना शर्ट के मेन होते हैं, अगर यही देखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो शर्ट की जो रौनक होती है ना वो अपने आप खराब हो जाती है, क्योंकि शर्ट की जो रौनक होती है मेन वो बटन से ही होती है। तो यहाँ पर पहले फटाफट मैं इस पे प्रेस घुमा दी हूँ ताकि मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर कर दूं कि मतलब प्रेस हमें करनी कैसे है। अब आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड, अगर वीडियो आज की थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो लीजिए फ्रेंड मैंने प्रेस अच्छे से कर ली है। अब देखिए हम करेंगे कैसे इसका इस्तेमाल, चम्मच का करने वाले कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप प्रेस करें तो चम्मच को आप बटन के ऊपर रखें, फिर आप कितनी भी लापरवाही से प्रेस करेंगे तो जो बटन है ना वो टच नहीं होने वाला प्रेस से, क्योंकि जो चम्मच है ना वो बटन को कवर कर लेगी। अब आपको लग रहा होगा चम्मच पे तो प्लास्टिक भी नहीं है, हाथ में पकड़ना सही नहीं होगा, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड, मैं आपके सामने प्रेस कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा तो जिस चम्मच में प्लास्टिक होता है ना मतलब पीछे लगा हुआ हैंडल पे, तो वो वाली चम्मच ले लीजिएगा जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, मैं तो इसी से कर रही हूँ, देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप मतलब ट्राई कर सकते हैं वरना इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारे जो बटन है ना बिल्कुल भी यहाँ पे खराब नहीं होंगे, क्योंकि चम्मच जो होती है ना बटन को कवर कर लेती है। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। किस गांव से किस शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलेगा फ्रेंड, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया के किस कोने तक मेरी वीडियो को देखा जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो बटन है बिल्कुल सेफ है, साइन कर रहे हैं, हमारे बटन बिल्कुल भी यहाँ पर खराब होने वाले नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ। आगे दीजिए फ्रेंड, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।